Good evening, friends. I'm going to come up with program on Iran. For all the exporter friends, this is for the first time somebody is going to talk on country like Iran. Iran ke bare mein bahut log mujhe poochte hain ke Iran kyun liya aapne? US kyun nahi liya? Aapne Turkey kyun nahi liya? Aapne Japan kyun nahi liya? Aapne Australia kyun nahi liya? Iski wajah hai यह है कि ईरान इज वन ऑफ द टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर इंडिया हैज फिनोमिनली गुड रिलेशनशिप फिनोमिनली गुड एंड वन हैज टू लीवरेज दैट रिलेशनशिप विद ईरान ईरान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री ईरान इज अ कंट्री विद 80 मिलियन पीपल मिडिल क्लास पीपल ईरान इज अ सोसाइटी कल्चरली कनेक्टेड टू इंडिया ईरान हमसे नजदीक है फिर भी हम ईरान को सीरियसली नहीं लेते हैं इसकी वजह बहुत सारी है कुछ पॉलिटिकल है कुछ सोशल रीजंस है लेकिन ईरान के साथ अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो हमारा संबंध काफ़ी अच्छा रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि ईरान को जानना ज़रूरी है तो मुझे बहुत लोग पूछेंगे कि भाई ये सब तो ठीक है हमारी हिस्ट्री की क्लास तो आप कर दोगे लेकिन हमें एक्सपोर्ट करना है हमें ईरान को एक्सपोर्ट करना है और जो हमें अभी पता चला है कि ईरान पे सैंक्शंस है ईरान का जो हमारा एक्सपोर्ट है या ईरान से हम जो इंपोर्ट करते हैं उसके पैसे की कैसे लेन देन है ईरान के साथ ऑयल का अगर इंपोर्ट है तो क्या डॉलर में पैसे आते हैं या रुपी में पैसे आते हैं ईरान में कैसा नेटवर्क है कैसा सप्लाई चेन है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है ईरान में क्या ईरानी लोग इंग्लिश बोल सकते हैं क्या ईरानी लोग ईमेल लिखते हैं अगर लिखते हैं तो क्या फारसी में लिखते हैं या ईरानी लोग इंग्लिश में लिखते हैं ईरान में डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है या हमें ही जाके बेचना पड़ेगा क्या हमारे पैसे सिक्योर्ड है ईरान में सो कैसी है ईरान की इकोनॉमी तो मैं आपको बता दूं कि ये सब जानने के लिए प्लीज़ मेरा जो सेशन है इसमें आइए और मैं आपको कमिट करना चाहता हूँ कि हम सब इकट्ठा ईरान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसमें हमारे पैसे और जो लेन देन होगी उसमें भी सबसे अच्छी सिक्योरिटी है और ईरान में हमें अच्छी प्राइस मिल सकती है जो अदरवाइज यूएस में यूरोप में नहीं मिलेगी